नमस्कार, आप देख रहे हैं AS अकेडमी, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 से संबंधित। यह जो वीडियो है, आज मैंने सोचा कि बहुत सारे वीडियोस हर इंसान के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था। और ऐसे मेरे दिव्यांग भाई बहनों का सभी का कहना था कि सर, अभी तक इतने सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे कभी दिव्यांग भाई बहनों का ना तो कट ऑफ समझ में आया, ना किसी ने उनकी रैंक के लिए बात की, ना उनके वैकेंसी के लिए बात की कि उनके कितने पद हैं। तो दोस्तों, मैंने यही सोचते हुए सोचा कि आज एक वीडियो मैं अपने उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए क्यों ना बना दूं जो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको मैं पहले क्लियर कर चुका कि यह वीडियो हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यदि आप इस वीडियो को इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यह वीडियो सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए ही है। तो ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले आप ये नोट्स देख रहे होंगे, इधर पे देखिएगा, नोट लिखा है कि वर्ग 3 के नोट्स घर बैठे मंगाने के लिए संपर्क करें 9111755039 पर AS अकेडमी। इधर आप वर्ग 3 के नोट्स मंगा सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। 10 से 15 हजार रुपए अपने बचा सकते हैं और घर में बैठ के ही तैयारी करें। हम सारी ऑनलाइन आपको तैयारी भी कराएंगे, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट की और बिल्कुल सभी टॉपिक की, NCERT के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दिव्यांग भाई बहनों के लिए सबसे पहले तो हम इनके बात करेंगे। इनके 4-5 प्रश्न थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक प्रश्न था कि कितने परसेंट सीट रिजर्व हैं, मतलब दिव्यांग भाई बहनों के लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है कि दिव्यांग भाई बहनों का कट ऑफ कितना जाएगा। तीसरी बात कहेंगे कि किस विषय में कितने पद हैं हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। और नेक्स्ट बात जो कहेंगे कि जिन भाई बहनों का नहीं हुआ है वो वर्ग 3 की तैयारी में लग जाएं, वर्ग 3 की तैयारी करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सीट की बात कर लेते हैं कि कौन से विषय में आपको कितने पद होंगे और कैसे इसका डिवाइडेशन होगा। चलिए, फर्स्ट देखेंगे हम परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट आपको सीट रिजर्व है, उसके बारे में बात करेंगे। दिव्यांग भाई बहनों ने देखा होगा कि आप लोगों को 6% रिजर्वेशन ही है, लेकिन 6% अभी क्लियर नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यदि हम 6% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ग 1 की बात करेंगे। जितने भी भाई बहन हमारे वर्ग 1 में बैठे हुए थे दिव्यांग भाई बहन, उनके लिए सबसे पहले हम वर्ग 1 की बात करेंगे, उसके बाद हम वर्ग 2 की बात करेंगे। वर्ग 1 में आप सभी को पता है कि आपकी 15,000 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। अब 15,000 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन इस 15,000 में कितना 6% किसका है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों का। तो यदि मैं 15,000 का 6% कैलकुलेशन कर दूं तो 15,000 का जो 6% आएगा, देखिएगा वो कितना आएगा, 15×90 यानी 900 पद आपके किसके लिए आ रहे हैं, ये दिव्यांग भाई बहनों के लिए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि दिव्यांग भाई बहनों के लिए वर्ग 1 में 6% के हिसाब से 900 पद रिजर्व है, ठीक है। अब ये तो हो गए सभी सब्जेक्ट की, अब बात करेंगे पर सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट में दिव्यांग भाई बहनों के लिए कितने पद आ रहे हैं। यदि मैं 900 पद मुझे टोटल हैं और मुझे इसको, आपको पता होगा कि वर्ग 1 में हमारे कितने 16 सब्जेक्ट हैं, यदि मैं 16 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं 900 को, यदि मैंने इस 900 को 16 से डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा, 16×5=80 और 16×6=96 यानी मुझे 25, मतलब एवरेज मुझे 56 पद, जो 56 पद मिले वो है पर सब्जेक्ट मिलते हैं। दिव्यांग भाई बहनों को एक विषय में 56 पद रिजर्व हैं, ये 6% के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। पूरी कैलकुलेशन समझते जाइए, आपको सारी कैलकुलेशन इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब दिव्यांग भाई बहनों को 56 पद यदि मान लिया, जैसे हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ और संस्कृत है, ये अदर सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, उन सभी सब्जेक्टों में 56 सीट हैं। अब मेरा ऐसा एवरेज मानना है, एक एवरेज एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूं कि यदि मेरे दिव्यांग भाई बहन एक सब्जेक्ट में 56 जब उनके लिए सीट होती है तो 56 सीट में कौन से होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। तो अब आपको ये पता है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है, ये 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। तो यदि मैं 56% का इसको 56 का आधा कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 28 मिलेगा। अब ये क्या हो गया कि 28 पोस्ट किसके लिए हैं, ये है महिलाओं के लिए, क्लियर बात, ये आ गई आपकी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 28 सीट रिजर्व है और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 28 सीट रिजर्व है।
अब आप मान सकते हैं कि दिव्यांग भाई बहन जितने भी उन सभी को 28-28 सीट पर सब्जेक्ट में, अब उनका कट ऑफ क्या जाएगा और उनका क्या एवरेज माना जाएगा। मैं मान लेता हूं एक एग्जांपल, मुझे फाइनल देखो पता नहीं है कि कितने दिव्यांग भाई बहन है जो एक सब्जेक्ट में बैठे थे। यदि हम मान लेते हैं कि एक एवरेज में मुझे 4000 दिव्यांग भाई बहन है जो एक पर सब्जेक्ट में हो सकते हैं, 4000 नहीं हो सकते, आप 3000 मान लो, ऐसा एवरेज मानता हूं, है ना, ये फाइनल फिगर नहीं है। यदि किसी भाई बहन दिव्यांग भाई बहन को ये पता हो कि कितने सब्जेक्ट में कितने दिव्यांग भाई बहन बैठे हैं, यदि उनके पास से कैलकुलेशन हो तो वो मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9111705039, उस पर शेयर कीजिएगा। वो जिस भी दिव्यांग भाई बहन को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और 9111705039 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम 4000 एवरेज मानते हैं। तो अब इधर हम बात करें यदि सेफ कट ऑफ की, सेकंड सवाल की, तो मेरे जितने भी दिव्यांग भाई बहन है, यदि आपकी रैंक 2000 तक है, आपकी यदि ये 2000 तक मिक्स्ड रैंक है मेल एंड फीमेल की, तो आप मान के चलिएगा कि आप इधर पे सेफ हैं, आपको कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं है, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए किस विषय में कितने पद हैं। इसके बाद अब जो वर्ग कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ भी क्लियर हो गया कि आपकी यदि 2000 तक मिक्स्ड रैंक है तो आप सभी भाई बहन सेफ हैं, उधर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इससे बढ़ भी सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एवरेज बता रहा हूं क्योंकि मुझे इसका कैलकुलेशन ये पता नहीं है कि कितने दिव्यांग भाई बहन है जिन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन मैं सिर्फ आपकी एक हेल्प कर रहा हूं कि आपको इससे अनुमान लग जाए और आप अपनी सही चीजों को सही तरीके से मान लें जिससे आपको हेल्प हो सके। अब सेम कंडीशन हम वर्ग दो की बात करेंगे। यदि मैं वर्ग दो की बात करूं तो आप देखिएगा वर्ग दो में क्या रहेगा, वर्ग दो की भी बात करते हैं, सेम इसी प्रकार जो कैलकुलेशन होगी वो वर्ग दो में होगी। वर्ग दो में आप सभी को पता होगा कि वर्ग दो में पोस्ट कम है, वर्ग दो में कितनी पोस्ट है, 5000 पोस्ट है। अब दोस्तों वर्ग दो की जो पोस्टें हैं 5000, इसमें आपको 6% के हिसाब से बात करेंगे हम। यदि 5000 का मैंने 6% फाइंड आउट कर दिया तो मुझे कितना मिला, 300। अब मुझे 300 जो पोस्ट हैं ये किसकी हैं, सभी सब्जेक्ट में है दिव्यांग भाई बहनों के लिए। अब यदि मैं पर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको पता है कि वर्ग दो में कितने 6 सब्जेक्ट हैं, तो 300 को मैंने डिवाइड यदि 6 से कर दिया, 6 × 5 = 30, 50, यानी मुझे 50 पोस्ट कितनी मिल गई, पर सब्जेक्ट मिल गई। एक भाई बहन को, मतलब दिव्यांग भाई बहन को एक सब्जेक्ट में 50 पोस्ट है। अब इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल भी है, तो मेल के लिए यदि मैं 50% निकाल दूं तो 25 इधर हो जाती है और 25 इधर हो जाती है। अब देखिएगा 25 में जो परसेंट में है एससी एसटी ओबीसी जनरल की महिलाएं हैं और इसमें भी एससी एसटी ओबीसी जनरल के भाई बहन है, जितने भी भाई है ना, तो यहां मान सकते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट में 25 पोस्ट मेल के लिए, 25 पोस्ट फीमेल के लिए। ये आपको मैं एवरेज और अनुमानित बता रहा हूं, ये 100% ट्रू नहीं कि जो मैंने बोल दिया बिल्कुल वो सच है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल सोचना था कि वर्ग दो में और वर्ग एक में जितने भाई बहन है उनके लिए आज सिर्फ स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए बनाऊं और दूसरों की बिल्कुल भी बात ना करूं। ठीक है, चलिए अब ये चीजें आपको सभी क्लियर हो गई। अब बात कर लूं मैं यदि कि दिव्यांग भाई बहनों ने इसमें वर्ग दो में कट ऑफ किया जा सकता है, यदि जो भी दिव्यांग भाई बहन है यदि उनका 1800 तक, यदि 1800 तक उनकी क्या है मिक्स्ड रैंक है, तो बिल्कुल वो सभी दिव्यांग भाई बहन सेफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी रैंक बढ़ भी, जैसे 50 किसी किसी की 2000 भी होगी, किसी की 2200 भी होगी, हो सकता है भगवान ने चाहा उनका भी हो जाए, एक मैं तो ये अनुमानित और एवरेज बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएं तो और आपका हो सकता है। क्लियर, आपको कट ऑफ पता चल गया, सीट पता चल गई, सभी सब्जेक्ट का परसेंटेज भी पता चल गया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि सभी दिव्यांग भाई बहन वर्ग तीन की तैयारी आप कैसे करें। जो भाई बहन दिव्यांग भाई बहन है यदि उनका वर्ग एक में और वर्ग दो में नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे एएस अकेडमी से जुड़ जाइए और एएस अकेडमी से जुड़ने के बाद
आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए हैं, जो नोट्स आपको घर बैठे आप मंगा सकते हैं। आप कोचिंग में पढ़ने जाओगे तो कम से कम 8000 रुपए खर्चा करोगे फीस का, और रहने खाने का खर्चा इतना ही हो जाएगा, तो 20000 रुपए तक आपका खर्चा हो सकता है। इसी को सिर्फ हम आपको कुछ ही पैसों में सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप इन नोट्स को घर बैठे 9111705039 पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के भेजिएगा, आपके नोट्स बुक हो जाएंगे और पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद 3 या 4 दिन में आपके नोट्स घर पर पहुंच जाएंगे। जितने भाई बहनों ने नोट्स परचेस कर लिए हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से बधाइयां, अग्रिम बधाइयां। वर्ग 3 की अच्छे से सक्सेसफुल मिले, और वर्क 3 के लिए मैं जो क्लास है बहुत जल्दी ही सभी सब्जेक्ट की क्लास ऑनलाइन लेकर आऊंगा, जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो नोट्स मंगा लीजिएगा और घर पे बैठ के तैयारी कर लीजिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको हम क्लियर करेंगे। नोट्स बहुत अच्छे हैं, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सभी का अच्छा फीडबैक आ रहा है, इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जो भी नोट्स है बहुत अच्छे हैं, और जो भी मॉडिफाइड होगा हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और AS अकेडमी पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के साइन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए यह वीडियो है, प्लीज आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।